संघ के कार्यकर्ता इस प्रकल्प के पीछे की शक्ति हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं के जो शक्ति यहाँ के हैं उनके लिए ऊर्जा देने वाले समाज के लोग हैं। इसलिए समाज के ऐसे सहयोग मिलता है, इसलिए कार्यकर्ता भी उत्साहित होकर ऐसे कार्य करने में कूदते हैं और कई परीक्षाएं कई बाधाएं आए जिसका छोटा उल्लेख पवन जी ने किया ही है। व्यक्तिगत जीवन में भी उनको आया, पूरे मानवता के सामने खड़ी हो गई महामारी की चुनौती, इस बीच में कैसे प्रकल्प खड़ा होगा, ये सब विचार उस समय आया ही होगा। लेकिन समाज हमारा आराध्य है तो इसलिए जिस समाज देवता पर विश्वास हम रखे हैं, आस्था रखे हैं, श्रद्धा रखे हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। यह संघ के कार्यकर्ताओं के लगभग पिछले 100 वर्ष होने को जो आया है, इतने वर्षों से हमारा यही अनुभव है। तो इसलिए समाज ने पूर्ण सहयोग देकर इस परिसर को यहां तक बनाने में अपने अद्भुत भूमिका निभाई है। इसलिए मैं माधव सेवा न्यास के समस्त न्यासी और समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और समाज की ओर से इस न्यास को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसे एक प्रकल्प के बारे में सोचा। सेवा ही यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, तो सेवा के इस यज्ञ कुंड में समिधा के रूप में जलने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को तैयार करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने कई वर्षों से इस प्रकार के प्रकल्पों को छोटे बड़े देश के विभिन्न भागों में प्रारंभ किए हैं।